राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। आप देख रहे हैं वाई के सिटी न्यूज। आगरा में जगदीशपुरा इलाका बीएसपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ बहुतायत में जाटो समाज के लोग रहते हैं, जिससे मूल थे बसपा का वोटर माना जाता है। लेकिन दलितों की राजधानी से बीएसपी मुखिया का विरोध के सर उठना बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए निश्चित रूप से चिंताजनक होगा, जो बड़ी उम्मीद के साथ वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सरकार में वापसी के सपने देख रही। दलितों की राजधानी आगरा में जाटो समाज का बीएसपी के मोहभंग होता नजर आ रहा है। समाज के लोगों का कहना है कि अनुसूचित जाति के लोग आंख बंद कर बहनजी पर भरोसा करते हैं, लेकिन समाज के ज्वलंत मुद्दों पर वह केवल ट्वीट कर काम चलाती हैं। आगरा जाटा महापंचायत के अध्यक्ष रामवीर सिंह करदम ने कहा कि एक और जहां तमाम राष्ट्रीय नेता हाथरस पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, मगर बसपा सुप्रीमो ने दलित बच्ची के पीड़ित परिवार से मिलने की जहमत नहीं उठाई। बड़ी संख्या में मौजूद दलित समाज के लोगों ने जिस पर नाराजगी जाहिर की, उन्होंने कई अन्य उदाहरण देते हुए बसपा मुखिया मायावती के पोस्टर जलाए और बसपा के झंडे जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वालों में कुलदीप सिंह बंटी करदम सहित बड़ी संख्या में महिला और पुरुष मौजूद रहे। वाईके सिटी न्यूज से जीसा नेमत की खास रिपोर्ट। आगरा जलाया है और पार्टी के झंडे जलाए हैं, क्योंकि दलित समाज के ऊपर आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो अत्याचार और उनके साथ हमारी बहन बेटियों के साथ जो रेप और उनके साथ हत्याएं हो रही हैं, इस मुद्दे पर बहन मायावती का ना बोलना ये दर्शाता है कि बहन मायावती जी को दलितों से कोई संबंध नहीं है, दलितों से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ दलितों को गुमराह करके अपना वोट हासिल करना चाहती हैं। दलित समाज अब बहन जी का बदुआ मजदूर नहीं है और आगे हम उनको बता देंगे कि वोट हम किसको देंगे किसको नहीं देंगे। वोट हम देंगे जो हमारे दलित समाज के लिए काम करेगा, हमारे दलित समाज के दुख सुख में खड़ा रहेगा और दलित समाज की जो आवाज उठाएगा। Yeah.